कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। कोई आज राजा है तो कल वो रंक भी हो सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है माफिया डॉन अतीक अहमद के साथ। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अतीक अहमद के दोनों बेटे और भाई जेल में बंद हैं। पत्नी और तीसरे बेटे पर इनाम रखा गया है। आइए जानते हैं कैसे आतंक का दूसरा नाम बन चुका अतीक अहमद किस तरह से अर्श से फर्श तक आ गया। पहले मामूली सा अपराधी, फिर राजनीति में आया और विधायक बना, विधायक से सांसद बना। अतीक अहमद के नाम से हर कोई वाकिफ है। किसी जमाने में अतीक अहमद की माफिया में हुकूमत चलती थी। ना केवल यूपी बल्कि दूसरे कई राज्यों में भी अतीक अहमद का दबदबा था। अतीक अहमद वो नाम है जिसका कभी प्रयागराज में और कई अन्य प्रदेशों में तूती बोलती थी। उसके माफिया का दबदबा था, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, अपराध की टहनी ज्यादा दिनों तक नहीं फल देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ माफिया अतीक अहमद के साथ, जिसके पाप का घड़ा भरा और पूरे परिवार को ही ले डूबा। कभी रौब और खौफ का नाम रहा प्रभावशाली घराना, आज तीतर बीतर हो गया। अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाहिस्ता परवीन, जिस पर 25,000 की इनामी राशि घोषित की गई है, दोनों का निकाह 2 अगस्त 1996 में एक मामूली से परिवार में हुआ। अतीक की पत्नी शाहिस्ता परवीन कसारी मसारी की रहने वाली है। अतीक को शाहिस्ता के 5 बेटे हैं। अतीक के 5 बेटों में पहला बेटा उमर, दूसरा बेटा अली, तीसरा बेटा असद, चौथा बेटा अबहान और 5वें बेटे का नाम अमन है, जो अपने काले कारनामों की वजह से अपराध की दुनिया का बादशाह तो बना और इस दुनिया में कायम रहने के लिए सियासी गलियारे में भी आ गया। पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद के घराने का इतिहास काफी प्रभावशाली रहा, लेकिन फर्श से अर्श तक का सफर कर बुलंदी पर पहुंचकर अतीक ने गुनाह की टहनी से छलांग लगाना शुरू कर दिया। बेशुमार दौलत और प्रॉपर्टी का मालिक भी बन गया अतीक अहमद, लेकिन उसका आने वाला कल गुमनामी के अंधेरों में खो गया। अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। 1989, 1991, 1993 और 2002 में यूपी के पश्चिमी सीट से लगातार विधायक बना। उसके बाद साल 2004 में फूलपुर संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित हुआ। अतीक अहमद पहले भी जेल में बंद रहा, जमानत के बाद वो बाहर भी आया, लेकिन 2019 से अतीक अहमद लगातार जेल में बंद है और इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में है। पहली बार जब वह जेल गया उसी वक्त उसने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और उसका चुनावी प्रचार उसके बेटे उमर ने किया। अतीक अहमद के बेटे उमर पर भी अप्रैल 2018 में किडनैपिंग और जेल में बिल्डर मोहित अग्रवाल से मारपीट के आरोप लगे। सीबीआई ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा, लेकिन उमर ने 31 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिलहाल वह लखनऊ जेल में बंद है। जब अतीक अहमद का रसूख थोड़ा कम होने लगा तो उसने सियासी गलियारों में कदम रख दिया और अपनी फैमिली को पॉलिटिक्स में उतार दिया। साल 2021 में अतीक के परिवार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन कर ली और 31 दिसंबर 2021 को अतीक अहमद के बेटे अली पर अपने रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा, लेकिन वो पुलिस से बचकर फरार हो गया। पुलिस ने अली पर 50,000 का इनाम रखा और 31 जुलाई को उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और नैनी सेंट्रल जेल में फिलहाल बंद है। फिर परिवार का दारोमदार अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन पर आया, जिसने अपनी सियासी जमीन खिसक न जाए इसके लिए 5 जनवरी साल 2023 को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली और बसपा के टिकट से मेयर लड़ने की तैयारी करने लगी। मेयर प्रत्याशी बनने का ठान कर वह चुनाव प्रचार भी करने लगी। शाहिस्ता परवीन ने भाषण भी दिए और खुद को एक कुशल नेता के तौर पर साबित करने लगी, लेकिन इसी बीच 24 फरवरी को धुमनगंज इलाके में उमेश पाल हत्याकांड हुआ, जिसमें अतीक अहमद का पूरा परिवार नामजद हुआ। अब अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता पर भी 25,000 का इनाम है। वहीं अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है, वो भी फरार है। चौथा बेटा अजहम और 5वां बेटा अबहान भी लापता है। अतीक के अतीत से पूरा परिवार बिखर गया। करीब 130 मुकदमे अकेले अतीक पर हर जिले में है। करीब 30 से ज्यादा मुकदमे अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ दर्ज है। 5 मुकदमों में वांछित अशरफ को भी बरेली जेल भेजा गया। अतीक अहमद के अपराध की फाइल के पन्नों को अगर पलटा जाए तो पुलिस रिकॉर्ड में इनके खिलाफ छोटे बड़े मिलाकर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अतीक अहमद के मुकदमों के दाग को छुड़ाने के लिए भाई खालिद और अशरफ भी उसमें शामिल हुए।
25 जनवरी साल 2005 बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल मर्डर केस में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत करीब 9 लोगों के नाम सामने आए थे। विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और तभी से अतीक अहमद के परिवार के सितारे गर्दिश में आने शुरू हो गए। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि खौफ और रौब का नाम बन चुका अतीक अहमद कब तक खैर मनाएगा। उसे अपने किए काले कारनामों की सजा जरूर मिलेगी, जो उसके जैसे अपराधियों के लिए भी सीख बनेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।